से घोषणा कराता, कुछ न कुछ इस विद्यालय को, कुछ न कुछ इस गांव को भी मिला होता, लेकिन क्या बताया जाए, ऐसे जनप्रतिनिधि हैं कि एक साहब जेल में है और दूसरे साहब फरार घोषित कर दिए गए हैं न्यायालय। तो उन लोगों को खोजने कहाँ जाया जाए? कोई भी जनप्रतिनिधि होता अगर आता तो कुछ तो घोषित करता, कुछ तो अपने पॉकेट से देता, कुछ तो अपने फंड से देता, कुछ तो विधायक फंड और सांसद फंड से देता। याद कीजिए, हर 13 सितंबर को कल्पनाथ राय आते थे और करोड़ों रुपया की योजना यहाँ दे जाते थे, कभी बिजली स्टेशन, कभी टेलीफोन एक्सचेंज, कभी कृषि विज्ञान केंद्र, कभी कोई सड़क, कभी कोई सड़क, हर 13 सितंबर को। आज भी कोई ऐसा होता तो 1 करोड़ 2 करोड़ 50 लाख जो ही मैं दिला पाता उसे दिलाने की कोशिश करता। लेकिन वही जो मैं बताया कि जो अब किया किया जाए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो। अगर हमने और आपने मिल के बबूरे लगाया है, अगर ये मौसमी और लीची के जगह महेंद्र भाई बबूरे का पेड़ लगवाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं भाई? जो लगवाएंगे वही लगाया जाएगा, आम लगवाएंगे मीठा मिलेगा। देखिए, नदी और वृक्ष बनिए, होता क्या है, फलदार वृक्ष पे जो ईंटा भी मारता है उसको भी वह फल देता है, जो ईंटा नहीं मारता पक जाता है तो अपने आप भी चूता है और उससे फल प्राप्त होता है। और नदी भी यह नहीं देखती है कि दुराचारी या सदाचारी कैसा व्यक्ति मेरा पानी पी रहा है, सबके लिए उसका पानी है। जैसे वृक्ष का फल सबके लिए है, वैसे ही नदी का पानी सबके लिए। इस प्रवृत्ति के लोग अगर आ गए समाज में, यह प्रवृत्ति हमारी और आपकी बन गई, प्यारे बच्चों ने अगर बनाया, लोग कहते हैं भविष्य है, भविष्य नहीं वर्तमान हो, और नहीं चेतोगे तो मिट जाओगे, न हम होंगे न हमारी दास्तां होगी दास्तानों में। इसलिए सबसे आवश्यक है कि नौजवान वर्ग चेते, इस देश के प्रति, इस समाज के प्रति और अपने प्रति भी अगर चेत नहीं आई तो समाज मिट जाएगा। और जो मैंने कहा ना कि न हम होंगे न हमारी दास्तां होगी दास्तानों में, वही स्थिति बन जाएगी। स्वर्गीय शिव शंकर सिंह जी निर्माणों को लेकर इस क्षेत्र को विकसित करने का काम करने का संकल्प लिए, जितना अवसर मिला उन्होंने किया। उस समय का समाज और इस समय के समाज में जमीन और आसमान का अंतर है। इस बिगड़े हुए समाज को बदलने के लिए आवश्यकता है कि आप आगे आवें, भाईचारे बंधुत्व के नाते आगे आवें, सबको एक करें और निर्माण विकास रचना और सृजन का गंगा फिर से अपने क्षेत्र में, अपने इलाके में, अपने समाज में बहावें, जिससे इस जिले का, इस क्षेत्र का विकास हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ इनके, स्वर्गीय शिवशंकर सिंह के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। एक चीज़ कहते हुए कि तुम्हें रवायती कदरों की शान कहती है, एक जमाने का तुझको निशान कहती है, यकीन रखती है तेरे वजूद पे इतना, तेरी ज़मीन तुझे आसमान।